नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल स्टडी एरा बाय IITN में। आज हम लोग एक नया वीडियो लेकर आए हैं रैपिड नॉलेज के तहत, और ये जो वीडियो है ये करंट अफेयर्स को से रिलेटेड है। जितने भी 2020 में जितने भी अवार्ड एंड ऑनर मिले हैं, जो भी पुरस्कार और सम्मान मिले हैं, उन सभी को हम लोगों ने नोट डाउन किया है और आपके लिए लेकर आए हैं। पूरे पूरे साल भर का जो अवार्ड एंड ऑनर है उसको हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे, देखेंगे और जानेंगे। और ये जो वीडियो है ये रैपिड नॉलेज के तहत है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो रैपिड नॉलेज का जो वीडियोस होगा वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड होगा। तो ये जो अवार्ड एंड ऑनर है ये जनवरी 2020 से लेके सेप्टेम्बर 2020 तक को कवर अप करेगा। मे बी कुछ अवार्ड एंड ऑनर 2019 के भी हो सकते हैं, लेकिन एक साल का पूरा जो अवार्ड एंड ऑनर है उसको हमने यहाँ पर लाया है। और ये सभी एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंस होंगे, जो आने वाले एग्ज़ाम में SSC के एग्ज़ाम हो या फिर MTS का जो भी बिस्कोमान का एग्ज़ाम है, या अभी हाल ही फिलहाल BPSC का एग्ज़ाम 27 दिसंबर को होने वाला है, तो उसमें भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये बिहार SI स्टोनो का एग्ज़ाम हो या बिहार SI का एग्ज़ाम हो, तो जितने भी एग्ज़ाम है जहाँ पे करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो देखिए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, जो अवार्ड एंड ऑनर है 2020 का उसको देखते हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि एक तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड है। ये तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड है 2019 का। ये किसको मिला है? तो ये मिला है विंग कमांडर गजानंद यादव को मिला है। विंग कमांडर हैं ये, गजानंद यादव हैं विंग कमांडर हैं, इनको मिला है तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड, इनको दिया गया है। दूसरा में इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020, बुकर प्राइज दिया गया है मारिके लुकास रिजनीवेल्ड को दिया गया है। मारिके लुकास रिजनीवेल्ड को दिया गया है। ये जो मारिके लुकास रिजनीवेल्ड है इनको लिटरेचर के क्षेत्र में दिया गया है ये प्राइज। ये जो पुरस्कार है मैन बुकर पुरस्कार, ये दिया जाता है लिटरेचर के क्षेत्र में। और जो मारिके लुकास है ये बहुत ही कम उम्र की महिला है, 29 ईयर्स की हैं, ये 29 ईयर्स की हैं, ठीक है। और इन्होंने बहुत कम उम्र में ही इनका जो एक नॉवल है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, उसके कारण इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया है, तो इसको भी याद रखेंगे। तीसरा है नेशनल अवार्ड टू टीचर्स। ये नेशनल अवार्ड टू टीचर 2020, जहाँ पे ईयर लिखना है मैंने ईयर को यहाँ पे लिख दिया है ताकि याद करने में आसानी हो, तो नेशनल अवार्ड टू टीचर्स ये सुधा पैनवली को दिया गया है, ठीक है। किसको दिया गया है? ये सुधा पैनवली को दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये सुधा पैनवली को नेशनल अवार्ड ऑफ टीचर्स दिया गया है। डायना अवार्ड 2020 ये किसे दिया गया है? ये फ्रेया ठकराल को दिया गया है, ठीक है। डायना अवार्ड 2020 फ्रेया ठकराल को दिया गया है, दो तीन बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। EU ग्रीन बिल्डिंग अवार्ड ये दिया गया है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को दिया गया है, ठीक है, इंटरनेशनल यूरोप सॉरी ओलंपिक कमेटी को दिया गया है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2020 दिया गया है केजांग डी थोंगडॉक को। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक कन्फ्यूजन हो जाता है कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2018 अमिताभ बच्चन को मिला था, लेकिन दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2020, ये 20 की बात हो रही है, तो 20 जो दिया गया है वो केजांग डी थोंगडॉक को दिया गया है। वहीं अगर 2018 की बात करेंगे तो वहां पे हम लोग अमिताभ बच्चन को टिक लगाएंगे। और ये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है, दादा साहेब जो थे उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी रेस्पेक्ट था उनका, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है सबसे पहले जो दिया गया था वो देविका रानी को दिया गया था। सबसे पहला अगर दादा साहेब फाल्के पुरस्कार अगर पूछा जाए तो देविका रानी को दिया गया था। वॉन कर्मन अवार्ड 2020, वॉन कर्मन अवार्ड 2020 के सिवान को दिया गया है। के सिवान इनको रॉकेट मैन के नाम से भी जाना जाता है, रॉकेट मैन के नाम से भी जाना जाता है किसको? के सिवान को। उसके बाद नेल्सन मंडेला प्राइस 2020, नेल्सन मंडेला प्राइस 2020 मोरिसाना कोयते एंड मोरियाना वार्डियनोइस को मिला है। ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड सचिन अवस्थी को मिला है, ठीक है, सचिन अवस्थी को ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला है। और उसके बाद टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड केट विंस्लेट को मिला है, केट
केट विंस्लेट को मिला है, रिचर्ड डॉक्सिन अवार्ड जो है ये जावेद अख्तर को मिला है। जावेद अख्तर को इसलिए मिला है कि ये जो अपनी राय रखते हैं, ये खुलकर अपनी राय रखते हैं, इसीलिए इन्हें रिचर्ड डॉक्सिन अवार्ड दिया गया है। उसके बाद ई पंचायत पुरस्कार जो है 2020 ये हिमाचल प्रदेश को मिला है। ई पंचायत पुरस्कार में क्या है कि आपके पास इंटरनेट की सुविधा कैसी है, स्वास्थ्य की सुविधा कैसी है, शिक्षा व्यवस्था कैसी है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए ई पंचायत पुरस्कार दिया गया है। और सभी स्टेट्स के जानकारी को लिया गया है कि उनके जो स्वास्थ्य व्यवस्था क्या है, इन सभी को ध्यान में रखते हुए ये पुरस्कार को दिया गया है। और इसमें हिमाचल प्रदेश को इस बार पुरस्कार मिला है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के जो अंदर में जो गांव आते हैं इस ई पंचायत के अकॉर्डिंग, उसमें 300 गांव आते हैं, टोटल 300 गांव हैं। ठीक है ना, तो 300 गांव आते हैं, तो इसी को ध्यान में रखते हुए ई पंचायत पुरस्कार दिया गया है। अभी आगे भी है, इससे आगे भी है, आइए हम लोग देखते हैं। अवार्ड्स एंड ऑनर में अभी और भी है वीडियोस। तो देखिए, जो जर्मन बुक ट्रेड पीस प्राइज दिया गया है वो अमर्त्या सेन को दिया गया है। ठीक है, अमर्त्या सेन को दिया गया है। और वर्ल्ड फूड प्राइज, जो कि वर्ल्ड फूड प्राइज विश्व खाद्य पुरस्कार जो हम लोग बोलते हैं, वो रतन लाल को दिया गया है। ठीक है, रतन लाल को दिया गया है। और आपको बता दें कि ये जो विश्व खाद्य पुरस्कार है, पहली बार 1986 में स्टार्ट किया गया था, 86 में स्टार्ट किया गया, तो वहीं से हरित क्रांति की शुरुआत होती है। और हरित क्रांति की जो शुरुआत होती है, उसके जनक माना जाता है डॉक्टर नॉर्मन नॉर्मन ई बोरलॉग को। नॉर्मन ई बोरलॉग को माना जाता है, हरित क्रांति का अगर जनक किसी को कहा जाता है तो इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। नासा डिस्टिंग्यूश सर्विस मेडल किसको दिया गया है, तो रंजीत कुमार को दिया गया है, नासा डिस्टिंग्यूश सर्विस मेडल दिया गया है। देखिए, कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज इसको दिया गया है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शॉर्ट स्टोरी, कॉमन शॉर्ट स्टोरी प्राइज ये दिया गया है कृतिका पांडे को। कृतिका पांडे, ये सभी इसलिए इंपॉर्टेंट है, जितने भी मैं बता रहा हूँ सारे इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कहीं ना कहीं इंटरनेशनल पुरस्कार यानी इंटरनेशनल अवार्ड से जुड़े हुए हैं। और इन सभी ज़्यादातर लोगों को जो लोग हैं वो भारतीय मूल के लोग हैं, इसीलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पुलित्जर प्राइज इन फोटोग्राफी, पुलित्जर प्राइज की अगर हम बात करें तो चनी आनंद, ये तीन को दिया गया है। पुलित्जर प्राइज जो है, ये जो पुलित्जर प्राइज है, ये तीन व्यक्ति को दिया गया है 2020 में। चन्नी आनंद को दिया गया है, मुख्तार खान को दिया गया है, डर यासीन को दिया गया है। ठीक है, NYIPLA न्यूयॉर्क इंटरनेशनल लॉ एसोसिएशन इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है, तो ये राजीव जोशी को दिया गया है। ठीक है, राजीव जोशी को दिया गया है। दूसरा में हम लोग आ जाते हैं, नेक्स्ट में जो है, इसे एक बार अगर पढ़ेंगे तो याद होते चला जाएगा। फेड कप हर्ट अवार्ड फॉर एशिया ओशियनिक जोन सानिया मिर्जा को दिया गया है। हम लोग सभी लोग जानते हैं इनके बारे में, सानिया मिर्जा को दिया गया है कौन सा, फेड कप हर्ट अवार्ड। और इस कप के थ्रू, इस अवार्ड के थ्रू सानिया मिर्जा को $2,000 की धनराशि भी मिली थी। ठीक है, $2,000 की धनराशि भी मिली थी। और सानिया मिर्जा ने इस धनराशि को तेलंगाना सरकार को डोनेट कर दिया था COVID-19 के कारण। ठीक है, उसके लिए इन्होंने डोनेट कर दिया था। तो एक ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सानिया मिर्जा को जो धनराशि मिली थी वो कितनी थी, तो $2,000। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि उन्होंने किसे डोनेट किया था, तो तेलंगाना सरकार को डोनेट किया था। ठीक है, नेक्स्ट में हीरो टू एनिमल अवार्ड। देखिए, ये जो हीरो टू एनिमल अवार्ड है, पेटा इंडिया के थ्रू दिया जाता है। मतलब एनिमल के सुरक्षा के लिए, एनिमल के देखरेख के लिए कुछ काम, अगर विशेष काम किया जाता है तो उनको दिया जाता है। और इस बार जो दिया गया है वो नवीन पटनायक को दिया गया है, जो कि उड़ीसा के CM है। ठीक है, नेक्स्ट में हम आ जाते हैं, उगांडाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किसको दिया गया है, तो राजेश चपलोत को दिया गया है। ध्यान रखेंगे कि जो उगांडा का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जिस तरह से भारत का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न है, उसी तरह उगांडा का भी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, तो वो किसको दिया गया, तो राजेश चपलोत को दिया गया है। अगर नेक्स्ट की हम बात करें तो 128 कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड किसको दिया गया है, तो जादव फायेंग को दिया गया है। जादव फायेंग का नाम जो है, हम लोग दो बार एक ही चीज उन्हें मिला है, एक स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी अवार्ड,
एक स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी अवार्ड और दूसरा 128 कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड, ये किसको मिला है? तो ये जादव फायेंग को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट की अगर हम बात करें यहाँ पे तो IIFTC टूरिज्म इम्पैक्ट अवार्ड, IIFTC टूरिज्म इम्पैक्ट अवार्ड किसे दिया गया है? जोया अख्तर को दिया गया है। ठीक है, डैन डेविड प्राइस, ये रिसर्च फील्ड में ये प्राइस दिया जाता है 2020 का, ये गीता सेन को दिया गया है। ठीक है, तो ये जितने भी थे अभी तक हम लोगों ने 25 अवार्ड एंड ऑनर डिस्कस किया है 2020 का। ये अवार्ड एंड ऑनर काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम में। हालांकि ये जो अवार्ड और ऑनर है इसे अभी तक पूरा मैंने कंप्लीट नहीं किया है, इसे आप सेट वन मान के चल सकते हैं या लेक्चर वन मान के चल सकते हैं। किसका? अवार्ड ऑनर, अवार्ड एंड ऑनर का ये लेक्चर वन है। एक और मैं लेक्चर लेकर आऊंगा जिसके तहत अवार्ड एंड ऑनर को पूरे एक साल का 2020 का मैं कंप्लीट करा दूंगा, सो दैट कि वॉट एवर एग्जाम यू आर गोइंग टू फेस यू विल नॉट गेट एनी प्रॉब्लम, जिसमें अवार्ड और ऑनर के अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप उन्हें आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं, आसानी से आप टिक मार्क कर सकते हैं। तो एक लेक्चर इसका मैं और लूंगा ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और इस चैनल को स्टडी एरा बाय IITN को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और व्यू लाइक करें एंड शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपको नया नोटिफिकेशन मिल सके। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि नए नए वीडियोस बनाकर आपको तक लेकर आऊँ। ठीक है, SSC का एक बैच मैंने स्टार्ट कर दिया है, उसमें भी मैं अब वीडियोस बनाऊँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।